नमस्कार, मैं अंकुना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। खुर्जा कोतवाली में आयोजित शांति समिति की बैठक में सोमवार को एसडीएम सदानंद गुप्ता ने कहा कि नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि किसी के आसपास कोई असामाजिक तत्व तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस दौरान उन्होंने मोहर्रम को लेकर कहा कि ताजिए बीते वर्ष की तरह निकाले जाएंगे, लेकिन न तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी और न ही रूट बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ ताजिए निकाले जाएंगे वहाँ ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार का माहौल खराब ना हो सके। उन्होंने सभी दरोगा से अपने अपने क्षेत्र के रिपोर्टर अगले 24 घंटे में कोतवाली में देने की बात कही है। इसके अलावा सीओ गोपाल सिंह ने कहा कि ताजिए जिन स्थानों से निकाला जाएगा वहां की छतों का भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। जहाँ जहाँ पर जैसे जो रूट होगा उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ बैठ करके देखना और मौके पर जाके देखने में थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरिटी होगी। और साथ ही साथ जो पूर्व की व्यवस्थाएं हैं वो तो यथावत रहेंगी ही रहेंगी, उसमें और ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं, या पूर्व में जो कमियां थी उसको ज़्यादा हाईलाइट आप लोग करिएगा, ठीक है? तो एक एक करके आप लोग बता दें। सही बात बताऊँ कि मैं सिकंदराबाद 2 महीना रह के आया, मेरा मन नहीं लग रहा था। यहाँ लोगों से दिली ताल्लुकात हो गए हमारे, कभी से व्यक्ति अच्छा है तो हमारे दिल के करीब है, और यही हमारे जो एसडीएम सर हैं उनके नेतृत्व में हमको जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं हम उन पर खड़े उतरते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप उनके उद्धार होने से जो निर्देश हैं उनको सुनें। धन्यवाद। और दो अखाड़ों में दो दो तलवारें, बहुत अच्छा लगा, और मैं बड़ा हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूँ, सुलम्मा भाई और मुगल भर वालों में, इन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग किया था। दूसरा, मुंडा खेड़ा पर भी जो हमारे हिंदू समाज के भाई हैं उन्होंने भी बहुत सहयोग किया था, और अच्छा समय ऑल ओवर सब कुछ सही थे, अमन चैन के साथ ख़त्म हो गए सभी हिंदू मुस्लिम जो भी त्यौहार थे। मैं अब भी चाहता हूँ और आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे पिछली साल सभी आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुए वो अब के भी हों, और एक मैसेज एसडीएम सर की तरफ से कन्वे हो जाना चाहिए सभी लोगों के, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं। जिसने भी अगर गड़बड़ करने की कोशिश की या कुछ करने की गलत करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आप पूरी तरह से जानते हैं कि हमारे एसडीएम साहब और हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इन्वॉल्व खुर्जा नगर में रहता है, मैन टू मैन मिलता है लोगों से और सबकी समस्याएं सुनते हैं। तो ये कन्वे समय हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको खलता है कि अच्छा कैसे हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि दोनों समुदाय के लोग